प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बीकानेर आ रहे हैं। ऐसे में लोग उनकी तैयारियों में लगे हुए हैं। कई लोग अपने अपने तरीके से उनकी तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में ही एक व्यक्ति है जो अपने अनोखे तरीके से जाना जाता है और वो नरेंद्र मोदी के बीकानेर में आने के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बीकानेर के धर्मेंद्र अग्रवाल की। उसने अपने अनोखे मेहनत से पिचकों पर यानी गोलगप्पों पर नरेंद्र मोदी का नाम लिखा है और उनके स्वागत के लिए स्वागतम बीकानेर पीएम मोदी मरुद्रा यानी वे बीकानेर में नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं और उनके सत्कार के लिए अलग अलग फ्लेवर के पिचके बनाए हैं। वे बताते हैं कि वे करीब उनके पास करीब अलग अलग तरह के 25 तरह के पिचकों से वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखा है। इसके अलावा उन्होंने सबसे पहले सूर्य चंद्रमा और ओम सहित इंडिया स्वागतम बीकानेर पीएम मोदी लिखा है। इसके लिए उन्हें करीब 1.5 घंटे का समय लगा है। उन्होंने मैदे आटा और सूजी से यह मलकर तैयार किया है। वे बताते हैं कि अगर उनको मौका मिला तो वे प्रधानमंत्री से मिलकर उनको ये पिचका यानी गोलगप्पे देंगे और उनको शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया है और वे आगे ही इस तरह से निरंतर कार्य करते रहें और वह देश का नाम और पूरे विदेश में ऊंचा रखे। कल हमारे भारत के राजा प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पीएम मोदी जी आ रहे हैं, उसके स्वागत के लिए और उनका स्वागत बनता है। हमारा भारत का प्रधानमंत्री आज विदेशों में जा के नाम करता है तो मेरा भी कुछ बनता है कि उनके स्वागत के लिए मैं अपने गोलगप्पे सबको भेजता हूँ, अलग अलग वैरायटी में भेजता हूँ गोलगप्पे। और मैंने सोचा कि उनके लिए गोलगप्पे के ऊपर नाम लिख के, जैसे कोई आर्ट कलाकार होता है ना, जैसे कोई पत्थर पे नाम लिखता है, कोई दीवारों पे लिखता है, कोई कपड़े पे, कोई पेंटिंग पे लिखता है, तो मैंने गोलगप्पे के ऊपर नाम लिख के, जैसे देखो ये मैंने बनाया चांद सूरज इसलिए बनाया है, जैसे पावर इनका चमकता है ना, वैसे हमारे प्रधानमंत्री चमकता रहे। और ओम भी लिखा है, ओम सावन का महीना है और महादेव जी भगत भी है, इसलिए मैंने ओम भी लिखा है। और जय भारत इंडिया और स्वागतम बीकानेर और पीएम मोदी नरेंद्र मोदी और बीजेपी मर्द पधारो भारत देश।